बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगा, जिसमें मैं वूल इस्तेमाल करूँगी 3-ply की। कलर अपनी मर्ज़ी का लगा लें। हुक इस्तेमाल करूँगी, कटिंग के लिए सीज़र यूज़ करूँगी। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिंग बनाऊंगी, ये देखिए हमारी मैजिक रिंग तैयार हो गई है। यहीं से हम स्टार्टिंग लेंगे, यहाँ बनाऊंगी 3 chain। 1 chain पहले से मौजूद है, 2, 3, 4 chain। 1 chain गैप के लिए 3 chain डबल क्रोशे के बराबर है। एट डबल क्रोशे लगाऊंगी 8 chain के साथ, जो हम बेस बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4 लगा लिए हैं। 1 chain, 8 double crochet लगाऊंगी 8 chain के साथ। काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 1 chain बनाएंगे, 1 chain बन गई। हम यहाँ से डोरी खींच लेंगे, वन टू थ्री 3 chain के साथ जोड़ दूंगी। यहाँ पे हमारी छोटी सी बेस तैयार हो गई है, ये देखें। 1 chain के साथ 8 double crochet लगाए हैं, छोटी सी बेस रेडी हो गई है। स्लिप स्टिच करके इस गैप में चली जाऊंगी, इस गैप में चले गए हैं। यहाँ पे 3 chain लगाऊंगी, 3 chain, 3 double crochet लगाऊंगी, एक साथ बंद करूंगी। यहाँ पे 3 chain बनाऊंगी, 3 chain हो गई। नेक्स्ट गैप में ये देखें, इस गैप में लगाऊंगी, 1, 2, 3, ये देखें 1, 2, 3 chain। हर गैप में 3 double crochet लगाऊंगी, एक साथ बंद करूंगी, फिर 3 chain के साथ नेक्स्ट गैप में चली जाऊंगी। ये 3 हो गए हैं, 3 को एक साथ बंद कर दिया है। ये देखें, इसी तरह इसका राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जोड़ दूंगी, यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। इस गैप में आऊँगी स्लिप स्टिच की मदद से, यहाँ पे 3 chain बनाऊंगी। स्टार्टिंग में 3 chain है, वन टू थ्री 1 chain गैप के लिए
यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लगेंगे 1 चेन के साथ। जब हम इस गैप में जाएंगे और यहाँ पे 2 चेन लगाएंगे इस गैप में 1 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे। वन टू चेन, वन चेन के गैप के साथ जो बन रहा है ये डिज़ाइन बनेगा और ये जो 2 चेन बन रही हैं ये टॉप तक जाएंगी। यहाँ पे 2 चेन बनाती हूँ, फिर इस गैप में चली जाती हूँ। इसी तरह राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, 3 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ ये बनाए जा रही हूँ। व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, 2 चेन बना ली है, यहाँ पे जोड़ दूँगी, 3 चेन के ऊपर जोड़ती हूँ, हमारा राउंड इसी तरह कंप्लीट होता है। 1, 2, 3 चेन लगाई है, 1 चेन गैप के लिए इसी गैप में लगाऊंगी, फिर 1 चेन इसी गैप में, 1 चेन इस क्रोशे के ऊपर। अब हमारे पास 4 हो गए हैं, 4 डबल क्रोशे हो गए हैं 3 चेन के साथ। यहाँ पे 2 चेन मेंटेन रहेंगी, इसके ऊपर लगाऊंगी, वन चेन इस गैप में, 1 चेन इस गैप में, 2 चेन लगाई थी उसके ऊपर लग गए हैं 2 डबल क्रोशे। ये देखें, ये साइडों से हर राउंड पे 1 बढ़ जाएगा। ये देखें, इसका राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 2 चेन बना ली हैं और ये 3rd चेन के साथ जोड़ दिया है। ये देखें, यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहीं से हम फिर स्टार्ट लेंगे, ये देखें डिज़ाइन के 1, 2 राउंड हो गए हैं। राउंड 3 स्टार्ट करती हूँ, 4 चेन के साथ स्टार्ट होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। यहाँ से राउंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा, 3 से स्टार्ट किया है, राउंड बाय राउंड 1 बढ़ता जाएगा इसमें। जैसे यहाँ 3 हैं, 4 हैं, अब 5 हो गए हैं, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। 6 से 8 राउंड लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये रिपीट है, इससे ऊपर राउंड बाय राउंड में दिखाती रहूँगी, 1 ही बढ़ता रहेगा। इससे अच्छा कि मैं 6 से 8 राउंड आपको लगा के दिखाऊं, ताकि हमारी बेस कंप्लीट हो जाए, फिर लेस बनाना सिखाऊंगी। मेरे रिपीट राउंड यहाँ तक ख़त्म हो गए हैं, 1, 2, 3 ये आपको मैंने बनाना यहाँ तक सिखाया, सेम कंडीशन से ऊपर बना 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 राउंड मैंने लगा लिए हैं, 2 चेन मेंटेन रही, ये सारी जितना भी जाली का डिज़ाइन था 1 चेन के साथ डबल क्रोशे मेंटेन रहा। अब यहाँ से कटिंग राउंड स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। जिस तरह इस साइड से बढ़ते रहे, इस साइड से बढ़ते रहे, इसी तरह
इस साइड से भी कटिंग होगी, इस साइड से भी कटिंग होगी और यहाँ पे नया डिज़ाइन बनेगा। आइए तो बनाते हैं। नॉर्मल तरीके से राउंड स्टार्ट होगा, 1 2 3 चेन बनी हुई है। अब यहाँ गैप के लिए नहीं छोड़ूंगी, यहाँ से मैंने लगाया और यहाँ बंद कर दिया। अब हमारा गैप ख़त्म हो गया है 1 चेन के साथ। फिर ये सारा बनाऊंगी। वन चेन माइनस होती जाएगी साइडों से, दोनों साइडों से। चेन मिस करने का हिसाब ये है कि एक गैप मिस कर दिया, फिर हमारी कटिंग शुरू हो गई। सारा इसी तरह बनना है, 1 चेन डबल क्रोशे से। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ 1 चेन मिस की है तो ये कटिंग राउंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बनाऊंगी 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ मिस हो गया है, यहाँ चेन के साथ स्टार्ट कर लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपना हाथ थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि लूज़ हाथ पे बनाएंगे तो बहुत लूज़ पैटर्न बनेगा। अगर आप थोड़ा सा हाथ अपना टाइट रखेंगे तो बहुत खूबसूरत अपनी जगह पे खड़ा डिज़ाइन बनेगा। ये देखें, राउंड कंप्लीट होगा इसी तरह। दोनों साइडों से माइनस होना शुरू हो गया है ये डिज़ाइन, इस साइड से भी माइनस, इस साइड से भी माइनस। यहाँ पे हमने 2 चेन बढ़ा दिए हैं, यहाँ एक चेन मिस की है, इस साइड पे भी एक चेन मिस हुई है और यहाँ पे 2 चेन बढ़ गई हैं। इसी तरह आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखें, यहाँ पे 5 चेन बनाए हैं, 1 यहाँ से माइनस हुआ, 1 यहाँ से माइनस हुआ। इसी तरह सारे डिज़ाइन साइडों से माइनस हो रहे हैं और यहाँ पे 5 चेन बनाए हैं। अब यहाँ से राउंड स्टार्ट कर लिया है, यहाँ पे, यहाँ से नया डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन के बाद हम इसके सेंटर में, ये 5 चेन बनाई थी, इसके सेंटर में हम लगाएंगे डबल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 चेन दोबारा से लगा ली है। यहाँ से स्टार्टिंग से 1 डबल क्रोशे, चेन वाले में 1 डबल क्रोशे, दोनों को एक साथ बंद कर दिया। ये देखें, ये माइनस हो गया, ये लाइन बिल्कुल क्लियर जा रही है। ये देखें, ये लाइन जो है, यहाँ की लाइन बंद हो गई, जाना बंद हो गई, अब कटिंग में आ गई है। इसी तरह 1 माइनस हो गया, फिर 1 चेन के साथ ये सेम कंडीशन से बनता जाएगा। ये देखें, दोनों साइडों से कटिंग होती है, 1 डबल क्रोशे एक साइड से, 1 डबल क्रोशे दूसरी साइड से, दोनों साइडों से माइनस हो रहे। ये डिज़ाइन स्टार डिज़ाइन बनेगा बहुत खूबसूरत।
ये वन लगाया, इसमें टू लगाया, दोनों को एक साथ बंद कर दिया। ये देखें वन टू, ये एक साथ बंद हो गए। यहाँ पे माइनस स्टार्ट हो गए। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखें यहाँ पे न्यू डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है और ये राउंड सेम कंडीशन से बनेगा। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारा राउंड जहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे यहाँ से मैंने राउंड थ्री स्टार्ट कर लिया। ये सेंटर है, वन टू थ्री। राउंड थ्री में यहाँ पे हमने थ्री सिंगल क्रोशे लगाए हैं, बाकी फाइव चेन साइडों पे मेंटेन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाए हैं। ये तो जाली सेम कंडीशन से बन रही है, वन चेन के साथ डबल क्रोशे। दोनों को एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पे वन माइनस इस साइड पे हो रहा है, वन माइनस इस साइड पे हो रहा है। यहाँ पे फाइव चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव चेन। फाइव चेन के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे लगाऊंगी, वन बाहर की साइड। ये देखिए वन लगा लिया, टू क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे और टू इस साइड पे। यहाँ पे थ्री लगा लिए हैं। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट होता है। फाइव चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन लगाने के बाद ड्रैग इसमें से लगाऊंगी, यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा राउंड एंड हो गया और यहाँ से राउंड फोर स्टार्ट होगा। थ्री चेन बनाती हूँ, इसी गैप में लगा दिया। यहाँ पे वन वन माइनस होता जा रहा है, वन चेन, वन चेन के साथ जाली इसी तरह मेंटेन रहेगी। इस गैप में लगाया, फिर इस क्रोशे के ऊपर क्रोशे लगा के दोनों को एक साथ बंद कर देती हूँ। ये देखें वन माइनस हो जाता है। यहाँ पे नया डिज़ाइन स्टार्ट होने वाला है। फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन के बाद नया डिज़ाइन यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे फाइव चेन लगाई है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ूंगी। सिंगल क्रोशे लगा लिया, यहाँ पे सेवन चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन चेन के बाद इसी साइड पे सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया। ये देखें यहाँ पे नया डिज़ाइन बनेगा, फिर फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन के बाद सेम कंडीशन से जाली, यहाँ पे वन माइनस हो गया, फिर वन चेन बनाऊंगी, यहीं पे जाली बनाऊंगी। आपको समझा देती हूँ, यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हुआ है। ये जाली का राउंड सेम कंडीशन से बन रहा है, जैसे यहाँ से बढ़ते गए यहाँ से माइनस हो रहे हैं। यहाँ नया डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ सेंटर में मैंने सेवन चेन लगाई है, फाइव चेन यहाँ पे मेंटेन रहेंगी डिज़ाइन के, इस डिज़ाइन के ख़त्म होने तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, ये फाइव चेन मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे मैं लगाऊंगी ट्वेल्व
डबल क्रोशे 5 चेन के साथ, उससे ऊपर जो राउंड आएगा, ये राउंड इसके बाद के राउंड में 12 डबल क्रोशे इसमें लगाऊंगी, उसके बाद जो राउंड आएगा उस पर 12 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ लगाऊंगी। मैं आपको 3 राउंड लगा के इसके दिखाती हूँ, जैसे फर्स्ट ये 2 राउंड और 3 राउंड लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये जाली इसी तरह मेंटेन रहेगी, साइडों से माइनस होता रहेगा, सेंटर की जाली बनती रहेगी और कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ये जो चेंजिंग आनी थी मैंने आपको बता दी है और बना के दिखाती हूँ 3 राउंड। व्यूअर्स, यहाँ पे जितने भी रिपीट राउंड थे मैंने बना लिए, यहाँ तक आपको सिखाया था। यहाँ पे 7 चेन लगाई थी और इसमें यहाँ पे 12 डबल क्रोशे लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे लगाए हैं साइडों पे। साइड पे यहाँ पे 5 चेन मेंटेन रही यहाँ तक, 12 11 डबल क्रोशे के ऊपर 11 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ, 11 डबल क्रोशे 1 चेन के साथ यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन बनेगा, अभी आपको बनाना सिखाती हूँ और ये जाली का भी बता देती हूँ। साइडों से 1 1 माइनस होता रहा, अब यहाँ पे ये सेंटर वाली जाली कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट राउंड आएगा उस पे ये बंद हो जाएगा डिज़ाइन। अब यहाँ मैं आपको इसका दूसरा डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 5 चेन के बाद इसके ऊपर लगाऊंगी 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे लगा लिया है, 2 चेन बनाऊंगी इस गैप में, 3 डबल क्रोशे लगाऊंगी, 2 3 एक साथ बंद कर दूंगी, 1 2 चेन, फिर इसी गैप में, हर गैप में 3 डबल क्रोशे लगाऊंगी, एक साथ बंद करूंगी। ये हमारा पूरा राउंड बनेगा इसी तरह, ये देख इस तरह बनाती जाऊंगी 2 चेन के साथ। एक साथ बंद कर देती हूँ, 3 डबल क्रोशे लगा के 1 2 3 एक साथ बंद, 1 2 चेन, नेक्स्ट गैप में 1 2 3 के बाद दोनों तीनों को एक साथ बंद कर दिया यहाँ पे इसी तरह। ये देखें पूरा राउंड इसी तरह बनाऊंगी, यहाँ पे इसी तरह बनते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ये भी कम हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड में ये बंद होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे लेस बनना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। हमारा 3 डबल क्रोशे वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, ये देखें 3 डबल क्रोशे लगाए, एक साथ बंद किए 2 चेन के साथ, ये सारा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से मैंने इस डिज़ाइन का एंड हो गया है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है और यहाँ से लेस स्टार्ट कर ली है। ये देखें मैंने ये सारी लेस सेम कंडीशन से बनाई है और यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना सिखाऊंगी। आइए तो बनाते हैं। यहाँ मैंने 5 चेन लगाई हुई है, यहाँ पे इस डिज़ाइन को बंद करेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे लगाए हैं, एक साथ बंद करूँगी
ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ फिर 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। 5 चेन के बाद फिर हम इस डिज़ाइन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे हम लेस बनाएंगे। 1 2 3 चेन से लेस बनाती हूँ, ये देखें। सेकंड पे लगा दिया, इसी तरह डबल क्रोशे 3 चेन से मोती बनाती हूँ। ये देखिए हमारा मोती तैयार हो गया है। इसी तरह बनते जाएंगे 3 चेन डबल क्रोशे। वन टू थ्री चेन, 3 चेन लगाई, इस तरह सिंगल क्रोशे से बंद कर लिया। यहाँ पे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। फाइव डबल क्रोशे मोती के साथ हो गए हैं, ये सेंटर हो गया है। यहाँ पे इस पे भी, यहाँ पे 2 चेन बनाई है और यहाँ पे लगा दूंगी, ये सेंटर है। दोनों साइडों पे 5 5 रह गए हैं और ये 6 के सेंटर में लग गया है, ये हमारा सेंटर हो गया। फिर हम 6 पे लगा लेंगे, 1 2 3। 3 चेन से मोती बनाती हूँ, ये जितने भी लूप्स बने हुए हैं इनके ऊपर में लगाती हूँ डबल क्रोशे और उसी से 3 चेन का मोती बनाती हूँ। हमारा पैटर्न एंड होने वाला है। सेम कंडीशन से सारी जाली बनी है, लेस बनी है, साथ में जाली बनती जा रही है। लेस बनाते हुए मैंने इस डोरी का खास ख्याल रखा है, ये खूबसूरत लगती है बहुत। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 चेन लगाई और यहीं पे इसको जोड़ दूंगी। ये देखें यहाँ पे हमारा डिज़ाइन एंड हो गया है। यहाँ पे 1 चेन बना के यहाँ पे बंद कर दूंगी। ये वाली मैंने पूरी बनानी सिखाई आपको लेस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देखें सेम कंडीशन से बनी है। इसी तरह मैंने पूरे डिज़ाइन पे यही लेस बना ली है। यकीनन आपको मेरा डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, आप भी बनाइए, कलर अपनी मर्ज़ी का लगा लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पैटर्न के साथ फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।